नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि 2019 में किसी ने उनके कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के साथ एक लिफाफा दिया था, जिसे पार्टी ने कुछ ही दिनों में भुना लिया। लेकिन दानदाताओं के बारे में कोई भी जानकारी पार्टी को हासिल नहीं हुई। चुनाव आयोग ने रविवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए सैकड़ों सीलबंद लिफाफों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। वहीं बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इलेक्शन कमीशन के पास की गई फाइलिंग से ये पता चला है कि उसे कुल 24 करोड़ रुपए से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड हासिल हुए हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उसे भारतीय एयरटेल और श्री सीमेंट से करीब 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल हुए हैं। एक अन्य फाइलिंग में जेडीयू ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 24.4 करोड़ रुपए के चंदे के बारे में जानकारी दाखिल की है। पार्टी के मुताबिक उसे प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड में से कई हैदराबाद और कोलकाता में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जारी किए गए थे और कुछ पटना स्थित एसबीआई ब्रांच से भी जारी किए गए हैं। हालांकि ईसीआई को सबसे दिलचस्प फाइलिंग जेडीयू के बिहार कार्यालय द्वारा की गई है। इसमें कहा गया है कि 3 अप्रैल 2019 को पटना जेडीयू कार्यालय में 10 करोड़ रुपए का एक चुनावी बॉन्ड का लिफाफा प्राप्त हुआ था, लेकिन ये चंदा किसने दिया था इसके बारे में कोई भी डिटेल्स पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है और ना ही पार्टी ने इस बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। जेडीयू ने चुनाव आयोग को कहा है कि कोई व्यक्ति 3/4/2019 को पटना में हमारे कार्यालय में आया और एक सीलबंद लिफाफा सौंप गया। जब इसे खोला गया तो इसमें करीब 1 करोड़ रुपए के 10 चुनावी बॉन्ड मिले। जेडीयू ने कहा है कि भारत सरकार की जटिल अधिसूचना के मुताबिक हमने पटना के मुख्य एसबीआई ब्रांच में एक खाता खोला और चुनावी बॉन्ड को वहां पर जमा किया। इसका पैसा 10/4/2019 को हमारी पार्टी के खाते में जमा किया गया और स्थिति को देखते हुए हम दानदाताओं के बारे में अधिक जानकारी देने में असमर्थ है। वहीं पार्टी ने चुनाव आयोग को ये और भी कहा है कि श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल से उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड प्राप्त हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग को बताया है कि डाक द्वारा उसे 10 बॉन्ड प्राप्त हुए हैं, जिसका मूल्य करीब 10 करोड़ रुपए था, लेकिन देने वालों के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने ये जानकारी दी है कि उसे एसके ट्रेडर्स, सेन बेवरेजेस और एके ट्रेडर्स, केएस ट्रेडर्स, बीजी ट्रेडर्स और एएस ट्रेडर्स से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल हुआ है। इसके अलावा टीएमसी की बात करें तो उसकी तरफ से भी 16 जुलाई 2018 से लेकर 22 मई 2019 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 75 करोड़ का चंदा देने वाले दानदाताओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। टीएमसी का इसमें कहना है कि एसबीआई की तरफ से जारी बॉन्ड के यूनिक नंबर से जानकारी मिल सकती है। वही पार्टी का ये भी कहना है कि बॉन्ड स्कीम के तहत जानकारी देने वाली एकमात्र एसबीआई ही है। जिन लोगों के बॉन्ड जारी हुए थे उन्हें पैन कार्ड आईडी प्रूफ भी दिया होगा, इसलिए बैंक के पास सभी बॉन्ड धारकों की जानकारी होगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए खबर।